कि मुझसे कोई काम करवा रहा है, मैं मुझसे फोर्स करके कोई काम करवा रहा है, तो देखो कितने बज रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:40। ओके, तो अभी 10:40 हो रहा है और मैं हूँ ऊपर क्योंकि आंटी काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, तो मैं देख रही हूँ और मैं भी काम कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इधर बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं इधर फोल्ड कर रही हूँ। मेरी फ्रॉक है, ये मम्मी के नाइटी है, ये भी नाइटी है, वो भैया कपड़े में थोड़े बिखरे गए हैं इस समय, और ये मेरा कपड़ा है, तो वो सब हम लोग के मिक्स सारे कपड़े हैं। तो चलो फिर मैं इसे फोल्ड करती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस, अभी मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ और ये देखिए बहुत ज़्यादा धूल जम गई है इसमें, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ से ना पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो उसको मैं वॉश करती हूँ और तब तक मैं इसकी लाइट रिमूव कर देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा आता है, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, ये कुछ ऐसा आता है इसका लुक। तो मैं आप लोग को वॉश करके इसका फुल लुक दिखाती हूँ और इसमें ये लाइट भी है, ये रही लाइट। तो चलो फिर मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने अभी लाइट रिमूव कर दी है और आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा डस्ट है। सो गाइज़, ये देखिए अभी मैंने ये लगा दिया है और फ्लावर पॉट भी लगा दिया है, लाइट्स भी लगा दी हैं, ऑन भी कर दी है लाइट्स, एंड ये देखिए अब कितना ज़्यादा साफ़ लग रहा है। पहले बहुत डस्ट थी, अब देखो बहुत सारा साफ़ लग रहा है। और मैं आप लोग को एक बार फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, ये देखो बहुत प्यारा लगता है इसे। सो गाइज़, आप लोग अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा बेड पड़ा है इस समय, तो इसको मैं एक मिनट में बेडशीट पूरा चेंज करके दिखाती हूँ। सो गाइस, फाइनली पूरा बेड ठीक हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से ये चेयर के कपड़े हटाने। इसमें देख रही हूँ कि कौन से यूज़फुल कपड़े हैं, कौन से यूज़फुल नहीं हैं, जैसे कि जो हम लोग नहीं पहनते हैं वो हम दे देंगे और जो हमारी यूज़फुल है उसे मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और वो देखिए, उसको भी ठीक करना है उस चेयर को, उसमें बहुत प्लेट रखी है और बहुत ही कम कपड़े हैं, तो वो भी ठीक कर दूँगी। और बेड तो ठीक हो ही चुका है, तो चलिए फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस, ये देखिए कि मेरी फ्रॉक है जो मैं नहीं पहनती और ये सूट है जो फट चुका है, इसीलिए ये दोनों कपड़े अब हम ये नहीं यूज़ करेंगे। तो दो तो निकल गए, तो चलिए और देखते हैं कि और क्या क्या है। सो गाइस, इस समय शाम का समय हो रहा है और शाम के बज रहे हैं 7:00, और मैंने आप लोग को दिखाया कि मैं सब ठीक कर रही थी। एंड गाइस, मुझे आप लोग से एक बात करनी है, जैसे कि आप लोग इस चीज़ को गलत फहमी मत लेना कि मुझसे कोई काम करवा रहा है, मैं मुझसे फोर्स करके कोई काम करवा रहा है, तो ये सब मत आप लोग सोचना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये सब चीज़ सोचते हैं, तो प्लीज़ मत सोचना। मुझसे कोई फोर्सली काम नहीं करवाता है, मैं अपने मन से करती हूँ, जो करती हूँ अपने मन से करती हूँ। और एक और चीज़, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि घर पे ना पूरा घर एक ही इंसान पे डिपेंड हो जाता है, तो ये चीज़ सही नहीं है, हम सबको मिलके काम करना चाहिए। तो या अभी मैं मतलब मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ ऑफकोर्स, ताकि मम्मी के ऊपर इतना सारा बर्डन ना पड़े। तो चलो फिर मैं जल्दी से ये सब समेटती हूँ सामान, फिर आप लोग से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा पूरा फेस ना पसीने पसीना हो रहा है, आप लोग को बता नहीं सकती। मैं तभी आप लोग देख रहे हो मैंने चोटी नहीं करी, अपने बाल टाई कर लिए ताकि ना गर्मी थोड़ी सी कम लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है लिटरली यार, बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, फाइनली एक चेयर तो खाली हो चुकी है, वो भी चेयर खाली हो गई है, बस उसमें ये ओढ़ने का चादर रखा है, तो हम लोग को इसको इधर रखे रहने देते हैं। और बाकी ये दो और कपड़े निकल गए हैं और ये टोटल चार कपड़े निकले हैं जो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। और बस, तो फाइनली इतना क्लीन तो हो चुका है, मैं इसको हटा देती हूँ। तो ये देखिए सब क्लीन हो चुका है।